बस जिस तरह मैं अपना आप सामभ के बैठी हाँ ना, या मैं अपने बच्चे लैके बैठी हाँ, मैं जानी है या मेरा रब जानता है। तुसी मेरे वास्ते बड़ा वड्डा लै करके आए हो, मैं थोड़ी जुत्तियां दी नौकर हां, मेरा दिल रोंदा है ऐसे ले कोई वाला नहीं, इन बिशक पीछे कर दियो, लेकिन मेरा इस टाइम मेरा दिल रोंदा है थोड़े वास्ते, मेरा दिल करदा मैं थोड़ी झोलियां चुक चुक के दुआवां दवां। चलो जजाक अल्लाह, तुसी कोई अपना काम कर लेना ठीक है। हेलो बिस्मिल्लाह, मैं थोड़े लिए पैसे लैके आया, ये हेलो है 1,00,000 रुपया जे। हेलो ओहो, मेरे वास्ते बड़ा वड्डा तुसी काम करके आए हो। ये कुछ भी नहीं, एक मैं दे रहे हैं, ए ते अल्लाह ताला ने भेजने तुहाडे लई, असीं ते नहीं ना दे रहे तुहानू, साडी इन्नी औकात कित्थे वे, असीं नहीं तुहाडे दे रहे, ए ते अल्लाह ताला ने तुहाडे लई भेजे ने, कोई अल्लाह दे फरिश्ते ने किसे बंदे ने मतलब, ते ए ते तुसीं बस, और ए तुसीं हैलो थोड़े जे पैसे ने, ते अल्लाह ताला तुहाडे लई आसानियां फरमाए। बच्चे बड़ी मुश्किल पालनी है पई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कमान का वसीला कोई नहीं, काम का रोज़ाना पता कर जानी हाँ, बच्चे स्कूलों जाते सन, हूँ बच्चे माशाल्लाह फर्स्ट आए ने, तो किताबा तक नहीं है बच्चों को स्कूल बैठे ने, तो रोज़ाना सुबह निकल जानी है ड्यूटी का पता करके आनी है, शाम को आ जानी है, जवान बच्चिया ने भाई ने उन्होंने भी सारे मसले ने, उन्होंने भी पालन लगी हाँ किसी ना किसी दिन, बच्चिया जवान ने ते रोजाना बच्चिया कहदियां मामा सानू बुकां लै के दवो असीं स्कूल जाइए, ते कोई नहीं सिलसिलाकार खान नहीं पूरा हुंदा पिया, जाहर है इन्नी महंगाई है, किस तरह बच्चों ने कितों मैं निज़ाम किस तरह चलावां, हाले ते लोकां दे मंगते कपड़े मेरियां धीआं पांदियां ने पईआं, उन्हां नूं भी नज़र आंदा पुफियां ने सारियां चाचा है ताया है, वो आंदे ने असीं आप मजबूर हाँ, असीं आप माड़े हाँ, साढ़े अपने हालात इस तरह ने, तो फिर जो अगला बंदा इंज कहता तो फिर उन्होंने मैं की कह सकती हूँ, समझ आई जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाजिर है जी, तुहाडा होस्ट बाबर बेगर, तुसीं वेख रहे हो अपना ABHG TV, तो मैं गल करें जी खिदमत इंसानियत के हवाले नाल। नाजरीन मैं ऐसी फैमिली को मौजूद हाँ, असी पहले भी कोशिश की सी कि स्टैंड हो सकन, अलहमदुल्ला हैल्प भी अल्लाह की मदद ना की सी, बाजी जड़े ने ये बेवा ने, और तीन बेटिया ने इन्हों दियाँ, एक बेटा, और पहले जो मैं आया सर इन्हे घर, तो इन्हों तीन भाई सन, हूँ इन्हों दो भाई ने, एक भाई की डैथ हो गई है, उन्होंने फॉलोज होया सी ऑलरेडी, वो व्हीलचेयर पर सन, दूसरे भाई जड़े ने इन्हों दे, मेरा कैमरा तुम दिखा रहा है, ये मिर्गी के मरीज ने, और इन्हों दे जड़ा तुसी देखोगे 2-4-5 दिन पहले डिगन तो इन्हों दे सट लगी हुई है, टांके लगे ने, और दूसरा मेरा कैमरा तुम दिखा रहा है कि इन्हों भाई जड़े ने वो कुत्ते दे कटन की वजह तो एक अरसा हो गया, एक साल तो ज़्यादा अरसा हो गया कि जड़े बैड रेस्ट ने, मतलब वो चल ही नहीं सकते, लत उन्हों की खराब हो रही है, और बच्चे भी इन्हों दे यतीम, वालदैन भी नहीं है, खामद भी नहीं, और बच्चे पढ़ते ने, बच्चे जड़े ने पहले भी जो तुम पिछले साल आए सन तो बच्चों ने पढ़ना छड़ दिता सी, लेकिन असी कोशिश करके बच्चों को स्कूल भिजवाया, और मेरा कैमरा तुम दिखा रहा है कि बच्चे जड़े ने उन्होंने फस्ट पोजिशन हासिल की अपने स्कूल च, लेकिन मजीद हूँ 2 महीने हो गए ने, बच्चे इन्हों स्कूल नहीं जा रहे, माँ रमज़ान है, माँ रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। अच्छा दसो किस तरह रोजे थोड़े गुजर रहे हैं, जिंदगी का सिलसिला किस तरह गुजर रहा है? बस भाए ना यही तुम अगे भी दसिया इंजी परेशानियां ने, तो बच्चे बड़ी मुश्किल पालनी है पई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कमान का वसीला कोई नहीं, काम का रोज़ाना पता कर जानी हाँ, बच्चे स्कूलों जाते सन, हूँ बच्चे माशाल्लाह फर्स्ट आए ने, तो किताबा तक नहीं है बच्चों को स्कूल बैठे ने, तो रोज़ाना सुबह निकल जानी है ड्यूटी का पता करके आनी है, शाम को आ जानी है, जवान बच्चिया ने भाई ने उन्होंने भी सारे मसले ने, उन्होंने भी पालन लगी हाँ, मकान किराए ते वे
ते बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टेंशन ने, बड़ी ही परेशानियां ने। अल्लाह मेरिया मकाएगा ही ना किसी ते। बच्चियां जवान ने ते रोज़ाना बच्चियां कहदियां ने मम्मा सानू बुकां लै के दवो असीं स्कूल जाइए, ते कोई नहीं सिलसिलाकार खान नहीं पूरा होंदा पिया। जाहर है इन्नी महंगाई है, किस तरह बच्चों ने कितों मैं निज़ाम किस तरह चलावा। एक टाइम की भी पकती है तो बड़ी मुश्किल ही पकती है। वो चलो रब की जात है दें दी है पई, तो जिन्हें मूँह चिरे है वह खा के सौंदे ने कि नहीं कि मैं चलो नहीं मेरा मसला हो थोड़ा जहा मेरे बच्चियों को सिर का हिसाब हो छत किराए ते वे मकान का किराया तक माला कहता बधाओ। मैं बड़ी परेशान अगे भी मैं थानू सारा कुछ दसिया सी, हूँ भी मेरा हो ही हाल है, मजीद महंगाई हो गई है। तो मेरिया बच्चिया तक कहदियाँ कि मम्मा असी स्कूल छड के तो असं काम से ड्यूटी तो लग जाने, तो मैं रा नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरिया धियाँ उठ के मेरे कारखाने ते काम ते जान। बस मेरी मदद करो जितों भी हो सकता जे, मैं बड़ी परेशान। अच्छा तो बच्चिया स्कूल भी नहीं जा रही, बेरोज़गार भी हो, तो रोज़े किस तरह गुजर रहे हैं, तो ईद की तैयारी है? झूठ नहीं मारना, रमज़ान का महीना है, ईद की तैयारी तो हाले तक तो कोई नहीं की। जे तो 1500 किधरों आ जाता है, यही कोशिश होंगी है 1500 आ गया तो चलो मैं वो मसला घर का बच्चों के रोज़े ने कोई चीज़ चंकी लै आनी है खाने वास्ते बच्चों के रोज़े ने कोई, और तो कोई हिसाब किताब नहीं ना तो बच्चों की। कोई मेरा एक एक पुत्र है वह हाले तक कोई सूट नहीं, कोई जुत्ती नहीं, हाले तो लोगों के मंगते कपड़े मेरिया धियां पादियां ने पईं, तो बस की करना है। तो रमज़ान है तो कोई बूआ खड़का के कोई आटे की गुत्थी कोई किलो घ्यो दे जाता है, उन्होंने मेहरबानी ला इंज गुजारा होंगे पाया। रमज़ान गुजर जाना तो वह भी नहीं हो किसी ने कि रोज़ जाहर रोज़ तो ना किसी ने देना। रोज़ तो बाद नहीं लोग देंगे राशन? नहीं, रमज़ान का महीना तो ता मेरा थोड़ा बहुत मसला क्लीयर होता पाया, रमज़ान तो बाद नहीं। की वजह रोज़े तो बाद भुख नहीं लगती? बस फिर वो इस तरह ही है ना, जानी हाँ तो जो कोई किसी दिन कम आ गया माल आ गया कोई 250-300 का कम करके आ जानी हाँ, तो इस तरह गुजारा हो जाता है। तो किसी दिन 400 लैन का, किसी दिन 200 लैन का, किसी दिन 300 लैन का, तो रिश्तेदार तो चोरी एक दो बारी अपने बच्चों कम से खड़िया भी है। तो चलो फिर अल्लाह ही फिर मेरा निज़ाम चलाई जाता पे, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशान है। कदे वो वक्त याद आउंदा जदों बच्चों का वालद जिंदा सी, वक्त अच्छा गुजरता सी, ओनू कभी वक्त नू मिस करदे? ओही तो वक्त सन 5-12 सन, किसी चीज़ की हामद कमी नहीं सी आन देता। जिहड़ा भाई फोत हो गया जिन्हों फालज होया वह भी किसी चीज़ की कमी नहीं सी आन देता, लेकिन भावें मैं बेवा हो तो गई हाँ, 3 बेटियाँ तो 1 पुत्र, तो रब मैनू दुनियादारी ने वहा छड़िया कि मैं फिर भी मैं मर्द बनी हाँ, लेकिन हुण हिम्मत मेरी थक मुक गई है। बंदे दे जीवदे तो गल्लां ही होर सन, हुण बड़ी मैं परेशान हाँ। तुहानू पता दुनिया जिहड़ी है बड़ी खतरनाक है, बड़ी मुश्किल है इस दौर दे विच अपनी औलाद पालनी, एक औरत जात वो वास्ते बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं किसी को की आखा, मैं ज़्यादा नहीं वही गल कर दी कि मैं इस तरह मैं रिश्तेदारों को जावा तो मैं इंज करा तो मैं उंज करा, मैं रब की जात बैठी हाँ, गुजारा होंदा पाया। अच्छा एक गल तो यह दसो, खतरनाक तो की मुराद है कि लोग औरत नूं इज्जत की नज़र ना नहीं वेखते? बेवा औरत नहीं इज्जत की नज़र ना नहीं वेखते, बड़ी मुश्किल है। एक बेवा वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल है निकलना दुनिया के बाहर, निकलना ना नहीं औरत का बड़ा ही मुहाल है। ये अपनी इज्जत ही है इंसान बचा के रखे तो वह तो बस मैं थोड़ा कि तुम आप भंज समझदार हो सारा तुम पता है। ये दसो कि बच्चों का कोई चाचा ताया कोई फुफी कोई मतलब होर कोई रिश्ता है, अगर है वे तो कि वो कोई ईद शबरात से भी कोई सिर पर हाथ नहीं रखते? हाँ जी फुफियाँ ने दादके ने चाचा है ताया है, मैं उन्होंने भाई मजीद उन्होंने की आखा या उन्होंने की तंग करा, तो मैं अपने 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 हक तो अपने बच्चे पालनी है, मैं उन्होंने मजीद नहीं तंग करती। तो जाहिर जो भाई ना मैं की कह सकनी हूँ थानू दादके ने, तो उन्होंने नहीं नज़र आता, सबनों नज़र नहीं आता है,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਚਾ ਏ, ਤਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ? ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਮਯਸਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ? ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਬਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੁਆ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਔਰ ਗਰੀਬ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।